बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। किरण चौधरी ने बर्क न्यूज़ के वैन में लगे आईने में अपने दिलकश सरापे पर एक तनकीदी नज़र डाली। उसने हल्का मेकअप कर रखा था, लिपस्टिक नेचुरल शेड की थी, लंबे चमकदार रेशमी बाल एक सादा जोड़े की शक्ल में गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। वो अपना यही अंदाज पसंद करती थी जो उसके लिबास में भी नुमाया था। चुस्त मगर सादा शर्ट के बटन जो उसकी दिलकश जवानी को संभालने में बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहे थे, ऊपर तक बंद थे। वो चंद कदम पीछे हटी ताकि आईने में अपने पूरे जिस्म का अक्स देख सके। वो पुरकशिश नजर आ रही थी। अपने आप को देखते हुए वो मुस्कुराने लगी। उसका अंदाज इतना संजीदा था जितना एक न्यूज रिपोर्टर का हो सकता है। मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं बर्क न्यूज। उसने ये लाइनें एक दो दफा दोहराई। हर दफा आवाज का उतार चढ़ाव मुख्तलिफ था। वो ये देखना चाहती थी कि आज रिपोर्ट पेश करते हुए कौन सा अंदाज मुनासिब लगेगा। किरण चौधरी बर्क न्यूज पर मौसम के मुतालिक स्टोरी पेश किया करती थी। उसका खूबसूरत चेहरा और दिलकश अंदाज खौफनाक तूफान की खबर को भी लोगों के लिए दिलचस्प बना दिया करता था। वो बर्क न्यूज से गुज़िश्ता 5 साल से मुंसलिक थी और अपने काम में दिलचस्पी भी लेती थी, मगर वो कुछ मजीद करना चाहती थी। उसने सहाफत की डिग्री इसलिए नहीं ले रखी थी कि वो टीवी स्क्रीन पर लोगों को सिर्फ मौसम का हाल सुनाया करे। वो तहकीकाती रिपोर्टर बनना चाहती थी और सनसनीखेज खबरें लाना चाहती थी। इस बार उसने अपने स्टेशन मैनेजर बाबर वहीद से बात की। उसने किरण को अपने दफ्तर में बुलाया तो किरण ने अपना मसला बयान कर दिया, मगर उसने किरण की पूरी बात सुने बगैर ही कह दिया, मिस किरण चौधरी, आपका मौजूदा काम भी कुछ अहम नहीं है और सबसे बढ़कर ये कि लोग आपसे मौसम का हाल सुनना चाहते हैं। मगर मैं स्टूडियो तक महदूद रहकर उकता गई हूँ। मैं माशरती तूफानों की खबर लेना चाहती हूँ। हम इस पर गौर करेंगे, स्टेशन मैनेजर बोला। अभी तो मेरी तवज्जो शहर में होने वाली उन वारदातों की तरफ है जिसमें कोई जुनूनी कातिल और सीरियल किलर नौजवान लड़कियों को कत्ल करके उनकी गर्दन काटकर समंदर किनारे फेंक रहा है, उसने बात खत्म करते हुए कहा। उसका जवाब सुनकर किरण गुस्से से खौल उठी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और आंसू आंखों में भरे पड़े थे। वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए खुद को हौसला दे रही थी। वो गुस्से से पागल हो रही थी कि मैनेजर उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि वो मैनेजर के सामने अपना मसला पूरी तरह बयान नहीं कर पा रही। इन्हीं सोचों में गुम वो एक राहदारी में मुड़ी तो सीधी राणा नवीद से जा टकराई। इस अचानक टकराव से वो संभल ना पाई और अगर राणा नवीद फुर्ती से उसे अपनी बाहों में संभाल ना लेता तो वो यकीनन जमीन पर गिर पड़ती। जब वो फिसली तो उसका टखना थोड़ा सा मुड़ गया और पांव दोहरा हुआ तो दर्द की एक तेज लहर टखने की हड्डी में उभरी। क्या आप ठीक हैं? राणा नवीद ने पूछा। किरण ने राणा नवीद की तरफ देखा जिसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। किरण के आंसू बह निकले। अरे अरे सब ठीक हो जाएगा, वो उसको तसल्ली देता हुआ बोला। क्या आप ठीक हैं? हड्डी तो नहीं टूट गई? किरण बिलक उठी। मैनेजर से मुलाकात का सारा गुस्सा आंसू बनकर बह निकला और वो सिसकने लगी। राणा ने इधर उधर मदद के लिए किसी को देखा मगर राहदारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। ठीक है मिस किरण, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लें और अपना बोझ इस पर डाल दें। किरण ने असबात में सर हिलाते हुए राणा नवीद का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। अंदर पहुंचकर राणा नवीद ने कुर्सी पर बैठने में उसकी मदद की। इसके बाद उसने मेज पर टिशू पड़ा डब्बा उठाया और एक टिशू निकालकर किरण की तरफ बढ़ाया। किरण कुर्सी पर बैठ गई और अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया। वो जख्मी जरूर थी मगर खुशकिस्मती से टखने की हड्डी टूटने से बच गई थी। वो पांव को हिला जुला कर थोड़ा गर्म करने की कोशिश करने लगी। राणा नवीद खामोश खड़ा उसको देखता रहा। चंद लम्हे बाद उसने आहिस्तगी से किरण को मुतवज्जे किया। क्या तुम ठीक हो? उसकी इस तरह वहां खड़े रहना अजीब महसूस हो रहा था। किरण ने चंद एक गहरे सांस लिए और अपने आप को संभाल लिया। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको जहमत हुई। अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं, वो बोला। मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। मेरा ख्याल है मैं अब ठीक हूँ, वो उसकी तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। वो कुछ देर रुका फिर राणा नवीद की तरफ देखकर दोबारा कहने लगी। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। दरअसल मैं स्टेशन मैनेजर से मीटिंग की वजह से परेशान हूँ। अब तो हद हो गई है, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है। किरण की आंखें लाल हो रही थी।
वजह कोई भी हो, मसला कोई भी हो, स्टेशन मैनेजर से मुलाकात के बाद कोई खुश नहीं रह सकता। राणा ने कहका लगाते हुए कहा। किरण ने भी असबात में सर हिलाते हुए मुस्कुराया। तुम नहीं जानते मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वो मुझे मौका ही नहीं दे रहा। कैसा मौका? इस सादा सवाल के जवाब में किरण ने अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया, अपने ख्वाबों के मुतालिक बता दिया। दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। राणा के जाने से पहले उसने सारी बात सुनने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। राणा ने भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल दी, फिर बाहर निकलने से पहले रुककर एक बार मुड़ा, उसकी तरफ देखा और बोला, मिस किरण, अपने ख्वाबों को टूटने मत देना, तुम बहुत खास हो, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वह हाथ हिलाता हुआ दफ्तर से निकल गया। उसके जाने के बाद किरण सोचने लगी कि ये अच्छा आदमी है, वो राणा नवीद के मुतालिक उससे ज़्यादा नहीं जानती थी। वो उस स्टेशन पर कैमरामैन था और उसको यहाँ काम करते 6 माह हो चुके थे। किरण की इससे ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उसने सोचा कि काश उस आदमी से कभी पहले और बेहतर हालात में मुलाकात हुई होती। इस वाकये के तकरीबन 2 माह बाद एक रोज़ किरण के ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने राणा नवीद खड़ा था। उस दिन के वाकये के बाद कई दफ़ा टीवी स्टेशन की राहदारी में उनका आमना सामना हुआ, मगर मुलाकात हाय हेलो और मुस्कुराहटों के तबादले से आगे न बढ़ सकी थी। हेलो मिस किरण, क्या तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए कुछ वक्त होगा? उसकी आवाज़ में जोश नुमाया था। किरण अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी जो कुछ ही देर में ऑन एयर होने वाला था, मगर उसके जोश को देखते हुए वो मना न कर सकी। मेरे पास सिर्फ चंद मिनट हैं, अंदर आ जाओ। राणा ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, वो कुछ मोहतात नज़र आ रहा था, पर अंदर आकर उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, वो बोली। मारिया मेरा मेकअप करने आने वाली है, इसीलिए जल्दी बताओ क्या बात है। राणा ने सर हिलाते हुए एक नज़र दीवार गिर खड़ी को देखा, फिर कहने लगा, ठीक है तो जल्दी जल्दी सुनो। उसने किरण की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं, आवाज़ हल्की मगर लहजा तेज था। मिस किरण, मुझे एक स्टोरी मिल गई है। एक स्टोरी? तुम्हारे लिए स्टोरी जो तहलका मचा देगी, हर एक की नज़र तुम पर होगी, फिर वही तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा कोई भी। किरण ने गैर यकीनी निगाहों से उसकी तरफ देखा, एक बार फिर उसके चेहरे पर जोश के साए ने हरकत की। मैं अपना आप मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ दुनिया में, और स्टेशन मैनेजर को बताना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है। जल्दी बताओ क्या खबर है, क्या स्टोरी है। इससे पहले कि राणा कुछ बोलता, उस वक्त ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने बैक वक्त मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, वो चौंक गए। किरण को इस वक्त की दखलअंदाजी बहुत बुरी लगी थी। तुम पहले अपना प्रोग्राम करा लो, मैं तफसील बाद में बताता हूँ। फारिग होकर पहली मंजिल के मीटिंग रूम में मिलो, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मैं, उसने एक ही सांस में सारी बात कह डाली। इस दौरान एक बार फिर बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और किरण के मेकअप गर्ल की आवाज़ उभरी, किरण क्या तुम अंदर हो? हाँ बस एक सेकेंड मारिया। किरण जल्दी से मुझसे एक वादा करो, राणा उसी तरह धीमी आवाज़ में बोला। मैं तुम्हें एक बड़ी स्टोरी दूंगा और तुम मुझे वो दोगी जो मैं चाहता हूँ, यकीनन ये हम दोनों के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, वादा वादा। किरण का लहजा मुस्तहकम था, वो मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए बोला, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। उसने मुड़कर दरवाज़ा खोल दिया और मारिया को अंदर आने का मौका दिया, फिर वो खुद बाहर निकल गई। किरण के अंदर एक जोश भर गया, वो अजीब सी बेचैनी का शिकार थी। प्रोग्राम खत्म होते ही उसने जल्दी से लिबास तब्दील किया, वो राणा से स्टोरी की तफसील जानने के लिए मरी जा रही थी। जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागी, एक दो लोगों ने बात करने के लिए उसको रोका, मगर वो हाथ लहराकर निकल गई। मतलूबा मंजिल पर पहुंचकर जो ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, वो बाहर निकलकर भागी, राहदारी में दाएं मुड़ी, फिर हॉल में आ गई। मीटिंग रूम के दफातर खाली पड़े थे और पूरा हॉल तारीख और वीरान पड़ा था, सिर्फ कंप्यूटर चलने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। मीटिंग रूम के एक कोने वाले कमरे में रोशनी देखकर उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। राणा ने भी उसको आते देख लिया था, इसीलिए वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। किरण कमरे में दाखिल हुई, अपना बैग लंबे चौड़े मेज़ पर फेंका, खुद एक कुर्सी पर ढेर हो गई और राणा की तरफ सवालिया निगाह से देखने लगी। उसका जोश और तजस्सुस साफ आया था। मुझे एक बहुत उम्दा स्टोरी मिली है, राणा नवीद मुस्कुराते हुए बोला। किरण दिलचस्पी से उसकी तरफ देखने लगी, मुंतजर थी कि वो पूरी बात तफसील से बताए। तुम जानती हो कैसे? इस शहर का मेयर शहर में चलने वाले मसाज सेंटर और बाजार हुस्न को बंद करने के पूरे जोर शोर से कोशिश कर रहा है। उसका एक ही नारा है कि शहर को अपने बच्चों के लिए साफ और पाक बना दो। उसकी ये मुहिम शुरू हो चुकी है। किरण ने कुछ कुछ समझते हुए अपना सर हिला दिया और बोली, हाँ शायद
इसलिए कि इंतखाबात का मौसम करीब आ रहा है। हाँ यही बात है, राणा बोला। और अब अगर मैं तुम्हें इस पाक साफ मेयर का एक गंदा रास बताऊं, तो वो इतना पाक साफ नहीं जितना वो जाहिर करता है, वो धीमी आवाज में बोला। उसका अंदाज ड्रामाई था। क्या मतलब? किरण ने आंखें फाड़ कर उसकी तरफ देखा। ये बात उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। राणा मुस्कुराने लगा। वो समझ गया कि किरण अब पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जे है। वो राजदाना अंदाज में कहने लगा, दोस्त अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है, दूसरों के लिए भी वो काम करता है। इनमें से एक बज़ाहिर होटल का कारोबार है, मगर दरपर्दा वो एक नाइट क्लब चलाता है जिसका ताल्लुक बाजार हुस्न के लोगों से है। किरण उसके एक एक क्लब्स पर तवज्जो दे रही थी। एक तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला, उस क्लब की खास बात यह है कि शहर के बड़े बड़े रऊसों और मैदान सियासत के कई अहम खिलाड़ी उस क्लब के रुकन हैं, मगर कोई भी दूसरे को नहीं जानता कि वो भी उस क्लब का रुकन है, और इस बात का खास एहतमाम किया गया है। और इससे भी बढ़कर खास बात ये, वो कहते कहते रुक गया, एक वक्फा लिया और फिर किरण की तरफ देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहने लगा, ये क्लब एक रिहायशी इलाके में बनाया गया है और मेयर उसका खास रुकन है। नहीं, किरण हैरत के मारे उछल पड़ी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं पूरे यकीन से ये बात कर रहा हूँ। मैंने वो इमारत देखी है जहाँ ये क्लब कायम है, मगर सिर्फ बाहर से। मैंने एक दो बार मेयर को भी इस इमारत के अंदर जाते देखा है। मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त की खबर झूठी नहीं कि उस इमारत के अंदर क्या हो रहा है। ओ मेरे खुदा राणा, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक धमाका है। ये खबर सारे शहर को हिला कर रख देगी। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्टोरी को रिपोर्ट करो। तुम इसका इंतज़ार कर रही थी और ये तुम्हारा, राणा बोला। हमें क्या करना होगा? राणा इसे अपना मंसूबा समझाने लगा कि उन्हें उस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब मेयर इस इमारत के अंदर जाएगा, और यही वो वक्त है, यानी कि दुरुस्त उस वक्त उसका दोस्त उसे बताएगा और उसकी इत्तला देगा। तब हमें कैमरा लेकर रिपोर्टिंग की तरह वहां छापा मारेंगे, सारी कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर दिखाएंगे और मेयर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। किरण सब कुछ समझकर सर हिलाने लगी। वो तो खुद इस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब वो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सके और लोगों से अपना आप मनवा सके। कब? कब मुझे बताओगे? वो राणा से पूछने लगी। मैं रबते में रहूंगा, जूं ही इत्तला मिली तुम्हें बताऊंगा, राणा ने कहा। फिर दोनों वहां से उठ गए। किरण पहले वहां से निकली, फिर उसके बाद राणा गया ताकि कोई उनको एक साथ देखकर किसी पर शक न कर सके। अगले चंद दिन तक किरण ऊंची हवाओं में उड़ती रही और खूब बनती रही। उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो ड्रेसिंग रूम के आईने और घर में वॉशरूम के आईने के सामने अपने लिबास और बोलने के अंदाज की प्रैक्टिस करती रही। कई रोज तक कोई खबर ना आई। उसने कई बार राणा को इधर उधर आते जाते देखा, वो अमूमन हाथ हिलाकर गुजर जाता। किरण को बेचैनी सी लग गई। तकरीबन 5 रोज बाद का वाकया है, राहदारी में से गुजरते हुए राणा ने उसे चुपके से एक रुका थमा दिया। वो जल्दी से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी, अंदर से दरवाज़ा बंद किया और कागज़ की तह खोली। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कागज़ पर सिर्फ एक जुमला तहरीर था, आज रात 8 बजे गवर्नमेंट स्कूल के अकब में। किरण ने इस जुमले को बार बार पढ़ा, दिल की धड़कनें तेज से तेज होती जा रही थी। वो रात आज की रात थी और वो तैयार थी। स्कूल के करीब पहुंचकर राणा की तलाश में उसने मोहतात अंदाज में स्कूल के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस आकर अपनी गाड़ी में उसका इंतजार करने लगी क्योंकि वो उसको कहीं नजर नहीं आया था। उसने बैक मिरर को दोबारा से एडजस्ट किया और उसमें अपने आप को देखकर जुमलों की अदायगी की रिहर्सल करने लगी। मैं हूँ किरण चौधरी, बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ बर्कनी उससे। किरण ने कंघार कर दोबारा अपना गला साफ किया। उसका ख्याल था कि आवाज़ साफ और वाजे नहीं है। दोबारा कोशिश की, मैं हूँ किरण चौधरी, बराह रास्त बर्कनी उससे। इस बार वो मुस्कुराई और दिल ही दिल में अपने आप को दाद देने लगी। उसी वक्त उसने बर्क टीवी की वैन को स्कूल के कोने से गली में मुड़ते हुए देखा। वो वैन उसकी कार के सामने आई, बहुत तेजी से मुड़ी और इस तरह करीब आकर रुकी कि दोनों गाड़ियों की खिड़कियां पहलू ब पहलू आ गईं। वैन की ड्राइविंग सीट पर राणा नवीद बैठा हुआ था। उसने खिड़की खोलकर किरण की कार की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उसे खिड़की का शीशा नीचे गिराने को कहा। वो पुरजोश नजर आ रहा था। किरण ने कार की खिड़की का शीशा तेजी से नीचे किया। अपना सामान समेटो और जल्दी से वैन में आ जाओ, मुझे अपने दोस्त की कॉल का इंतजार है, फिर उसके बाद चलते हैं, राणा फौरन ही तेजी से बोलना शुरू हो गया। ओके, किरण ने सर हिलाया, शीशा वापस चढ़ाया, चाबी इग्निशन से निकाली, अपना बैग समेटा, आईने में एक नज़र अपना चेहरा देखा और कार का दरवाज़ा खोल दिया। घूमकर वैन की तरफ आई और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सब ठीक है ना?
उसके बैठते ही राणा ने सवाल दाग दिया। मेरा ख्याल है हाँ, वो बोली, मुझे एक फोन कॉल का इंतजार है। फोन आने का मतलब है कि मेयर बिल्डिंग के अंदर है। हम दरवाजे पर पहुंचेंगे, तेजी से अंदर दाखिल होंगे और उसके सर पर पहुंच जाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक ये एक आम सा घर है। सारा मकरू धंधा तय खाने में ही होता है। हमें किचन से होकर एक सफ़ेद दरवाजे तक पहुंचना है। हमारी मंजिल तक वही हमें पहुंचाएगा। हम सदर दरवाजे पर बराह रास्त सीन चूट करेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे और तहखाने की सीढ़ियाँ उतरेंगे। वहाँ मेयर एक स्याह रंग के दरवाजे वाले कमरे में मौजूद होगा। किरण का दिल यूं धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी सांसों पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किरण, ये एक बहुत बड़ी खबर है। रफ्ता रफ्ता उसके दिल की धड़कन संभलने लगी। राणा उठा और वैन के अकबी हिस्से में आ गया। एक दफ़ा अपना सामान चेक कर लें, मैं एक छोटा कैमरा लाया हूँ। बड़े कैमरे को देख कर वो लोग खबरदार और मोहतात हो सकते हैं, इसीलिए छोटा कैमरा मुनासिब रहेगा। यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, किरण ये कहते हुए उठकर वैन से बाहर आ गई। आईने में देखकर दोबारा अपने जुमलों की रिहर्सल की और लहजे के उतार चढ़ाव को काबू में किया। ऐन उसी वक्त उसने राणा के फ़ोन बजने की आवाज़ सुनी तो किरण की सांसें रुकने लगी। चंद लम्हे बाद राणा वैन का दरवाज़ा खोल पड़ा और सरगोशी करने लगा, चलो वक्त आ गया है। राणा ने उसे एक टोपी वाली लंबी सी जैकेट थमा दी और बोला, मकान के अंदर घुसने तक इसे ओढ़ लो। अगर किसी ने देख लिया कि मशहूर किरण चौधरी इस वक्त इन गलियों में फिर रही है तो इकट्ठे हो जाएंगे। किरण ना चाहते हुए भी इसके बावजूद हाथ बढ़ाकर जैकेट थाम चुकी थी। उसको पहना और उसका हुड इस तरह सर पर चढ़ा लिया कि बाल खराब न होने पाए। वो कैमरे के सामने नफीस नजर आना चाहती थी। उसे एक माइक्रोफोन थमा दिया गया जिसे किरण ने जैकेट की जेब में छुपा लिया। राणा के पास मौजूद कैमरा अपने बैग में था और वो एक बड़ा सा ब्रीफ केस नजर आ रहा था। राणा ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और पूछने लगा, तुम तैयार हो? तुम जानते हो, किरण के होंठों पर मुस्कुराहट थी, तुम बहुत अहम काम करने जा रही हो, बहुत खास। जवाब में किरण सिर्फ मुस्कुरा दी। राणा ने कैमरे वाला ब्रीफ केस उठाया और दोनों चल दिए। अपना वादा भूलना नहीं, जब तुम मशहूर हो जाओ तो मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, उसे याद दहानी कराते हुए बोला। फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ कि हम दोनों ही वो कुछ हासिल कर लेंगे जो हम चाहते हैं, वो चलते हुए बोली। ठीक 11 बजे अपना काम शुरू करना है। मतलूबा घर तक पहुँचते उनको मज़ीद 5 मिनट लग गए। वो बिल्कुल खामोश थे। दरवाजे पर पहुँच कर राणा ने सरगोशी की, अब तुम जानती हो जो तुम्हें करना है। पोर्च में पहुँच कर हम एक इब्तदाई सीन शूट करेंगे, जल्दी से इंट्रो देना शुरू कर देना। कैमरे पर लगी रोशनी जल्द ही किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, वो बोली। जब हम अंदर पहुँच जाएंगे तो मैं कैमरा ऑन कर दूंगा, जल्दी करो, हमें उनके संभलने से पहले सब काम करना है। राणा का लहजा तेज हो गया। किरण ने जैकेट की टोपी सर से उतार दी, माइक निकालकर हाथ में पकड़ा, फिर जैकेट भी उतार दी और उसे सीढ़ियों के करीब घास पर डाल दिया। अपने बालों में उंगलियां फेर कर उन्हें संवारने की कोशिश करने लगी। आहिस्तगी से कंकार कर गला साफ किया, एक गहरी सांस ली और सर हिलाकर राणा को इशारा किया। राणा ने ब्रीफ केस से कैमरा निकाल लिया, फुर्ती से उसको चेक किया और बोला, मैं भी तैयार हूँ, चलो शुरू करें। किरण कदम बढ़ाकर पोर्च में पहुँच गई, गला एक बार फिर साफ किया और दरवाजे के सामने खास अंदाज से खड़ी हो गई। अंगूठे को ऊपर उठाकर राणा को इशारा किया तो उसने कैमरा अपने कंधे पर रख लिया। इसमें से पहले मंजर को दिखाकर फिर किरण को देखा। अब उसने उल्टी गिनती शुरू की, 5 4 3 2 1 क्यू। एक पर उसने रोशनी ऑन कर दी और किरण की तरफ कैमरे का रुख किया, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। किरण ने एक दफ़ा फिर अपनी आंखें झपकाईं, इनको कैमरे की रोशनी से हम आहंग किया, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं बर्ग टीवी। बराह रास्त आज रात हम आपको आपके शहर के मेयर का वो गलीज राज और रुख दिखाने जा रहे हैं जो वो खुद भी कभी देखना पसंद नहीं करेगा। और ये सब हो रहा है आपके पड़ोस में, इस शहर के वस्त में, शराफतदारों की इस बस्ती के बीचों बीच। किरण ने एक लम्हे को रुकी, फिर उसने राणा को एक मखसूस इशारे से सीन कट करने का कहा। इसके बाद वो उसकी तरफ उम्मीद अफजा नजरों से देखते हुए बोली, क्या सब ठीक हो गया? राणा ने कैमरे की रोशनियां बंद कर दी और बोला, बहुत उम्दा, आओ अब अंदर चले। किरण ने मकान का दरवाजा खोल दिया और राणा को कैमरे समेत पहले अंदर जाने का मौका दिया, उसके बाद खुद अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किरण कमरे की हालत देखकर ठिठक गई। दीवारों का रंग धब्बों और मैल के नीचे छुप चुका था। कालीन जो शायद कभी सब्ज था अब काला नजर आ रहा था। कमरे में मौजूद वाहिद सोफा भी टूटा हुआ था, उसका कपड़ा जगह जगह से फटा हुआ था। दो छोटी कुर्सियां, एक काले रंग की चाबी मेज के गिर्द पड़ी थी।
उसमें इसका ऊपरी हिस्सा सिगरेट की राख से जला पड़ा था और जा बजा चाय की गर्म प्यालियां रखी गई थी। मेज पर एक एस्ट्रे और कॉफी का कप भी नजर आ रहा था। फिजा में सिगरेट के धुएं की बू रची बसी थी। किरण ऐसे माहौल की तवक्को नहीं कर रही थी। किरण राणा की तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि वो दरवाजे को अंदर से ताला लगा रहा है। किरण उसको सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो धीमी सी आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई यहां से भागे या बाहर से हमारे पीछे अंदर आए। अब शुरू हो जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। वो कमरे का माहौल नज़रअंदाज करते हुए बोली और दोबारा अपनी खबर की तरफ मुतवज्जे हुई। एक दफ़ा फिर गले को साफ किया और अंगूठे से राणा को इशारा किया। राणा ने कैमरा कंधे पर रखा और रोशनी ऑन कर दी, फिर 5 तक गिना और बटन दबाया। मेरा अपनी इंतखाबी मुहिम अपने शख्सियत के बल पर लड़ रहा है। ख़ानदानी अकदार का फ़रोग उसका मौक़िफ़ है। वो फहाशी रुरानी के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि मेयर के कौल फेल में कितना तजाद है। आज बर्क न्यूज़ पर हम मेयर की शख्सियत का ये दूसरा और घनौना रुख आपको दिखाएंगे। वो जिस गलासत को ख़त्म करना चाहता है, खुद उसमें डूबा हुआ है। अब देखिए इस बंद दरवाजे के पीछे मेयर का एक गंदा रास। किरण ने ड्रामाई अंदाज में अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसके बाद वो कुछ वक्फे से दोबारा बोली, ये एक ऐसा घर है जो आबादी के बीचों बीच है और बच्चों के स्कूल से सिर्फ चंद कदम के फासले पर इस घर में उरियानी के सबक पढ़ाए जाते हैं। दरअसल ये घर नहीं बल्कि एक क्लब है, एक ऐसा खुफिया क्लब जिसका मेयर रुकन है और अक्सर यहाँ आता है। यहाँ रातें बिकती हैं और खरीदार होते हैं। नाम निहाद शर्फा। हमारे साथ आइए, हम बराह रास्त आपको दिखाते हैं इस कहबा खाने में क्या होता है। किरण अपनी एड़ियों के बल घूमी। उसका लहजा पेशावराना महारत से भरपूर था, उसकी जबान रवा थी। वो मेयर के चेहरे पर उभरने वाले खौफ और परेशानी को साफ देख सकती थी। वो इस हालत पर मन ही मन महसूस हो रही थी। राणा कैमरे समेत उसके पीछे था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। आगे एक किचन था। कैमरे की रोशनी में किचन की दीवार पर साए लहरा रहे थे। किचन से निकलकर उनको तहखाने में जाने वाला रास्ता नजर आ रहा था। उस दरवाजे पर वो रुकी, कैमरे की तरफ रुक किया और बोला, मेरे साथ आइए। फिर उसने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वहाँ अजीब सी बू फैली हुई थी। किरण की तवक्को से ज़्यादा बू उठ रही थी। उसको अपनी नाक पर रुमाल रखना पड़ा, मगर उसको इत्मीनान था कि कैमरा उसके चेहरे पर नहीं, वरना सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता, उसके चेहरे के तमाम तासुरात भी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। वो किसी को चौकन्ना और ख़बरदार होने का मौका नहीं देना चाहती थी, मगर हैरत की बात थी कि उनका अभी तक इस इमारत में किसी इंसान से टकराव ही नहीं हुआ था और ना ही किसी हरकत की कोई आवाज़ सुनाई दी। हर तरफ एक गहरा सन्नाटा था। वो तहखाना एक आम सा तहखाना था। कोई ख़ास काबिल ज़िक्र चीज़ वहाँ नहीं थी सिवाय काले रंग के दरवाजे के। यहाँ नीचे बदबू ज़्यादा थी। किरण ने अपना एक हाथ काले रंग के दरवाजे के हैंडल पर रखा। उसकी तवक्को और इत्तला के मुताबिक इस काले रंग के पीछे इस शहर का मेयर किसी जिस्म फरोश औरत के साथ मौजूद था। आइए देखते हैं क्या मेयर अंदर है, वो आहिस्ता से बोली और दरवाजे एक झटके से खोल दिया। कमरा कैमरे की रोशनी में जगमगा उठा। किरण ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया और साथ ही अपना सर मोड़कर कमरे के अंदर झाँका। उसको वही नजर आया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। सामने एक बड़ा सा मेज था जिस पर एक खूबसूरत जवान लड़की मौजूद थी। उसके हाथ और पांव स्याह चमड़े के मदद से मेज के साथ बंधे हुए थे। लड़की के मुंह में एक सुर्ख कपड़ा ठोंसा हुआ था। वो बुरी तरह कसमसा रही थी। उसकी आंखों में खौफ और दहशत थी। ये चीज़ किरण के लिए गैर मुतवक्के थी। वो लड़की चीखना चाह रही थी, मगर उसकी आवाज़ मुंह में फंसे हुए कपड़े की वजह से घुट रही थी। उसकी घुटी घुटी चीखें सुनाई दे रही थी। वो पूरी कुव्वत से अपनी बंदिशों से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। मेयर कहाँ है, किरण ने सोचते हुए गहरी नज़र से कमरे में इधर उधर देखा। लड़की खौफजदा थी, मगर उसकी निगाहें किरण पर नहीं थी बल्कि उसकी नज़रें किरण के पीछे किसी चीज़ पर जमी हुई थी। वो किरण के कंधे के ऊपर से पीछे देख रही थी। किरण मुड़ी और लड़की की नज़रों का ताक़ुब किया। किरण के अकब में राणा बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसने अपना कैमरा नीचे रख दिया और अब वो उसके और दरवाजे के बीचों बीच रुकावट बनकर खड़ा हो गया, मगर कैमरे की रोशन लाइट बता रही थी कि वो अब भी ऑन है और रिकॉर्डिंग कर रहा है। बंधी हुई लड़की की खौफजदा नज़रें राणा पर जमी हुई थी। किरण ने कुछ ना समझने के अंदाज में राणा की तरफ देखते हुए पूछा, राणा ये सब क्या है, कहाँ है मेयर? उसकी आवाज़ गले में फंस रही थी क्योंकि उसने देखा कि राणा के हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। मेयर अपने घर या अपने दफ्तर में होगा और जो तुम देख रही हो ये सब वो कुछ है जो तुम चाहती थी। किरण, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं तुम्हें शहर से दे रहा हूँ और तुम एक बड़ी खबर का हिस्सा बनने जा रही हो। तुम नौजवान लड़कियों के सीरियल किलर की शनाख्त जानने जा रही हो।
वो बोला तो उसके चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। किरण बेसाख्ता चीख उठी। वो उसके करीब आया और चाकू बुलंद करते हुए बोला, ये सब वो है किरण जो तुम चाहती थी। मुआहदा हुआ था तुमसे, अब मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तुमने वादा किया था इसका। फिर उसने चाकू किरण की गर्दन के पास से उसके कंधे पर रख कर दबा दिया। मुझे तुम्हारा खून चाहिए, उसने एक झटके से चाकू किरण के जिस्म में घोंप दिया। किरण की गर्दन से खून फूट पड़ा, सुर्ख गर्म और ताज़ा खून। राणा ने चाकू के भल पर लगा खून चाट लिया और जबान होंठों पर फेर कर मजे लेने लगा। मैं जानता हूँ किरण, तुम बहुत ख़ास हो और तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जायके वाला है। उसके लहजे में अजीब सी हवस थी। किरण सिसक उठी। फिर राणा ने एकदम चाकू के पै दर पै वार किया और किरण के जिस्म को छल्ली कर दिया। चारों तरफ खून फैल गया। किरण की चीखें दम तोड़ने लगी। राणा को जो चाहिए था उसने हासिल कर लिया। जमीन पर गिरते हुए किरण ने एक दफा कैमरे की तरफ देखा जो अभी भी ऑन था। फिर उसका सर एक तरफ ढलक गया। उसकी जिंदगी का कैमरा हमेशा हमेशा के लिए कट हो गया और वो खुद एक ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बन गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।